आज हम गुड़ के चावल बनाने जा रहे हैं, गुड़ वाले चावल। ठीक है, ये मैंने गुड़ लिया है और ये हम 1 किलो चावल के लिए लेंगे। ठीक है, इसको पहले मैंने चाशनी बनाने के लिए रखा है। यहाँ पे जो ना चावलों में जो गुड़ वाला शीरा डालना है वो तैयार हो चुका है और चावल मैंने भिगो के रखे हुए हैं। जैसे ये भीग जाएंगे तो फिर अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। इसमें मैं जो मैंने बनाया हुआ है शीरा बनाया हुआ है गुड़ का, वो मैं डाल देंगे। ये 3 कप पानी है और जो शीरा हमने बनाया है उसको अच्छी तरह से हमने छान ली है, तो हमने प्याज में मिक्स कर दिया। अब ये थोड़ा सा पकने के बाद अगर चावल भीग गए तो चावल इसमें डाल देंगे। मैंने बादाम लिए, उनको बॉईल करके इनका छिलका उतार दिया। मैंने चावल डाल दिए, अगर आप इस पास सौंफ डाल सकते हैं उससे ज़्यादा प्यारी खुशबू आती है। अभी मेरे पास ये ऐसे नहीं है। हमारी चाशनी जो ना पक रही है, हमने फ्लेम जो है स्लो किया हुआ है। चावलों को देखेंगे अगर भीग गए तो उसमें डाल देंगे। चावल हमारे भीग गए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं ऐसे, और हम इसको डालेंगे शीरे के अंदर। इसको हम कवर अप कर देंगे, इतना हो पानी कि जैसे आपके चावल जो ना भीगे हों। ठीक है, जैसे पुलाव के लिए पानी यूज़ करते हैं तो 3 कप चावल हैं तो 6 कप पानी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने गुड़ वाले चावल बनाने हैं तो चावलों का भी हिसाब होता है कि नए पुराने चावल होते हैं, तो इसलिए हमारे ये चावल जो हैं थोड़े से नए भी हैं, तो इसलिए हमने पानी कम लगाया है। अगर चावल ज़्यादा भीगे हों तो फिर पानी कम लगाना चाहिए ताकि आपके चावल टूटने ना पाए। अब हम इसको कवर अप कर रहे हैं। जी, चावल पक चुके हैं, गुड़ वाले चावल तैयार हैं पक्के। 3 से 4 मिनट मैंने इनको ये दम दिया। ठीक है, कुछ लोग तवे पर रखते हैं इसको दम देने के लिए, तो आप तवे पे भी रख सकती हैं, तवा नीचे रखे ऊपर देख सकते हैं। 3 से 4 मिनट दम देना, चावल बिल्कुल आपके तैयार हैं।